इतने में मत जाओ, ये जो मैंने जो पैसा है ना, ये जो मैंने सिर्फ आप लोग को दिखाया है ना, तो मुझसे उधारी मांगने के लिए कोई भी मत आना, क्योंकि ना जब ये इतना मेरा पैसे मेरे पास आ रहे हैं ना, तो मेरा खर्चा भी इससे ज्यादा डबल है, ये भी मुझे कम कर रहे हैं। बात ये, और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है जिसपे मैं ना काम कर रही हूँ, तो पूरा दिन पूरी रात लग जाता है उन पे कर रही हूँ, उनसे इतने पैसे आते हैं, इतने पैसे आते हैं जो आपको बताऊंगी ना, तो बस आपके ना पसीने छूट जाने हैं। तो बस आजकल पाकिस्तान में पता है कौन से लोग कामयाब है? आजकल पाकिस्तान में वो लोग कामयाब है जो डॉलर कमा रहे, क्योंकि पाकिस्तान का पैसा कोई वैल्यू नहीं रखता, पाकिस्तान की वैल्यू नहीं है, और 2% खत्म, टके की भी वैल्यू नहीं है, पैसा बिल्कुल मायने नहीं। रिश्तेदार जो है 2% के लोग, जिनकी मेरे आगे कोई वैल्यू नहीं है, मैं तो नहीं रखती किससे, भाई साफ क्लियर बात है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं रखती। अलबत्ता लोगों के लहजे देख के, और वाकई एक बात कहूँ, और अगर हम ना बहुत ज्यादा झुक झुक के बड़ों को, या बहुत ज्यादा, वो दौर पहले का था जब हम बड़ों को झुक के सलाम करते थे, बड़ों के आगे हाँ जी करते थे ना, वो दौर दूसरा था, अब हाँ जी नहीं करो भाई, बड़ा है चाहे छोटा है, अगर वो गलत कह रहा है उसे गलत का आंसर दो, एटीट्यूड तो बनता ही, अगर एटीट्यूड ना दिखाओ ना, तो फिर लोग पता मामूली सी चीज समझने लगते हैं यार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी ठीक और मजे में हैं। हाँ तो जी, आज बात होने वाली है कि YouTube के पैसे मुझे YouTube ने क्यों दिए, लोगों के इतने YouTube ने मुझे पैसे कब दिए, क्यों दिए, किस लिए दिए, YouTube ने मुझे ही क्यों पैसे दिए, जैसे कि मैं फर्स्ट हूँ मुझे ही मिले। तो कमेंट्स आ रहे थे लोगों के, तो एक तो बात ये है, लोगों के कमेंट आ रहे थे, किसी ने कहा कि तुम्हारे सब्सक्राइबर तो तुम्हारे तो सिर्फ फॉलोवर फॉलोवर लोग कहते हैं, तो लोगों को समझ ही नहीं आती है बात, पता नहीं जिस चीज़ की इन्फॉर्मेशन ना हो, जिस चीज़ के बारे में आप लोगों को पता ना हो, समझ ना हो, तो प्लीज़ वहाँ मुंह लेके मत गुस्सा करो, ठीक है ना। तो बात यह है कि यहाँ पे सब्सक्राइबर का और कुछ नहीं, सबसे पहले तो जो यूट्यूब की रिक्वायरमेंट है वो ये है, गौर से सुनो ठीक है, शायद आपके काम में आएगी बात, क्योंकि जब से मेरे पैसे आए हैं ना, तो जो मेरे वाले लोग हैं मुझे यूं लग रहा है ठीक है ना, मेरा जो शक्के वाले जो लोग हैं उनको आग लगी हुई नीचे से ऊपर तक, ठीक है, अब ना बस बर्दाश्त की हद होती है, नीचे से ऊपर तक आग लगी है। तो मैं तो यही कहूंगी कि भाई तुम लोगों के लिए कह रही हूँ, खासकर ब्लॉग सिर्फ तुम लोगों के लिए बना रही हूँ, जलने वाले लोगों बात को गौर से सुनो, यूट्यूब की रिक्वायरमेंट ये है कि सब्सक्राइबर जो है कम से कम 1000 होने चाहिए, ज्यादा हो जाए तो नो प्रॉब्लम, 1000 होने चाहिए 6 महीने के अंदर, साल के अंदर ठीक है, साल तक 1000 सब्सक्राइबर होने थे, वॉच टाइम ठीक है सुन ले ना, वॉच टाइम जो के है वो 4000 होना चाहिए, ये दो चीजें कंप्लीट ही होनी चाहिए, ये दो चीजें आप लोग की कंप्लीट हो जाए ना, सब्सक्राइबर और जो के वॉच टाइम, ये दो चीजें कंप्लीट हो जाए आपकी, तो फिर उसके बाद आपको अप्लाई करना पड़ता है चैनल को मोनिटाइज, तो बहुत बहुत मुश्किल है, लेकिन वो अब मेरे लिए मुश्किल नहीं, उसे मैं यूं कर सकती हूँ 2 सेकंड में। अगर आप लोग का चैनल मोनिटाइज, अगर आप लोग जिस तरह मैंने बताया, अगर आप लोग के ना 1000 सब्सक्राइबर हैं और 4000 वॉच टाइम है, अगर आप लोग को चैनल मोनिटाइज करवाना है तो आप आए मुझसे, मेरे रिश्तेदार को मेरा ऐसा लेना चाहते तो आए, मैं आप लोग को यूं करवा दूंगी, बस ये 5 मिनट का काम है, मेरे हस्बैंड तो बस चुटकी बजा के कर लेते ठीक है, तो नो प्रॉब्लम, आप आए हमारे घर पे हम आपको करके देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कमा रही हूँ, मुझे देखो मैंने ना जो पैसे मुझे मिले हैं ना, वो ना तो आपकी माँ की कमाई के हैं, ना तो आपकी बहन की कमाई के, ना तो आपकी कमाई के, वो मेरी मेहनत की कमाई है, 2 नंबर की कमाई, आजकल कौन किसे पूछता है, कोई भी नहीं पूछता, तो आप लोग को भी पैसे कमाने हैं तो मैं तो आप लोग को फिर भी इतना सुनने के बाद में तो फिर भी कहती हूँ यार पैसे कमाओ, वक्त नहीं गवाओ, अब भी टाइम है, अब भी मौका है, गवाओ, किसी का चैनल मोनिटाइज करवाना है तो मेरे पास आए, तो हाँ जी चैनल जैसे मोनिटाइज हो जाएगा तो ना ये डोर दोनों बंद कर, अच्छा चैनल जैसे मोनिटाइज हो जाएगा तो उसके बाद ना आपको फिर ईमेल आती है, आपको ना ईमेल आती है पिन कोड के लिए, तो उसके लिए जो कि जरूरी है $100 ठीक है, क्योंकि मेरे जो भी रिश्तेदार है सारे के सारे जाए, उसे फिर पिन आती है, घर पे आती है हमारा एड्रेस, वो तो चैनल मोनिटाइज करवाओगे ना वो उसकी लिंक बहुत बुरी है, अगर किसी को करवाना होगा वो तो मैं इसके लिए अलग से ब्लॉग बनाऊंगी, अगर किसी का मैसेज आया तो बनाऊंगी। बात होगा ये कि ना बात होगा ये किसी किसी को पिन घर पे नहीं आता, बाहर रखते बात होगा ये किसी किसी को पिन घर पे नहीं आती है, तो उसका हल भी है मेरे पास, अगर पिन नहीं आता ना घर पे तो नो प्रॉब्लम, टेंशन लेने की बात नहीं है, पिन ना आए, पिन की जरूरत भी नहीं है, बिना पिन के भी हमारे पैसे विड्रॉ हो सकते हैं, जिस तरह मेरे हुए हैं, मेरे भी पिन नहीं आए मगर मुझसे वेट नहीं हुआ, तो मेरे पैसे बिना पिन के विड्रॉ हुए हैं जो कि आप लोगों ने देखे हैं ठीक है, तो वो भी हो सकता है। उसके बाद $100 कंप्लीट हो जाने के बाद आप अपने पैसे निकालें, फिर यूट्यूब आपको ईमेल करेगा कि भाई आपकी ना सैलरी रेडी हो चुकी है, आपको निकालने है तो आप निकाल लें, और आपको अगर मेरी तरफ से बढ़ाने हैं तो बढ़ाएं, तो बात टोटल यही है ठीक है ना, कोई 2 नंबर 3 नंबर या छोड़ दो ये चीजें,
तो और इतने में मत जाओ, ये जो कि मैंने जो पैसा है ना, ये जो मैंने सिर्फ आप लोग को दिखाया है ना, बोल रही हूँ तो मुझसे उधारी मांगने के लिए कोई भी मत आना, क्योंकि ना जब ये इतना मेरा पैसे है मेरे पास आ रहे हैं ना, तो मेरा खर्चा भी इससे ज्यादा डबल है, ये भी मुझे कम पड़ रहे हैं। मैं अपनी सच बातें बता दूँ, दूसरे दिन ही लोग आ जाते हैं, समझ रही, थोड़े पैसे तो उधारी दो। तो नो, तो बात ये, और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है जिसपे मैं ना काम कर रही हूँ, तो पूरा दिन पूरी रात लग जाता है उन पर कर रही हूँ, उनसे तो इतने पैसे आते हैं, इतने पैसे आते हैं जो आपको बताऊंगी ना, तो बस आपके ना पसीने छूट जाने हैं। तो बस ना किसी की पैसों को देख के ना हमें ना जलन महसूस नहीं करना चाहिए, हमें खुश होना चाहिए ना कि, क्योंकि आप लोग की जेब से तो नहीं आए ना। मैंने कौन सा, आजकल पाकिस्तान में पता है कौन से लोग कामयाब है, आजकल पाकिस्तान में वो लोग कामयाब है जो डॉलर कमा रहे, क्योंकि पाकिस्तान का पैसा कोई वैल्यू नहीं रखता, वैल्यू नहीं है, और 2% खत्म, 1% की भी वैल्यू नहीं है, पैसा बिल्कुल मायने नहीं रखता। मेरे रिश्तेदार जो है 2% के लोग, जिनकी मेरे आगे कोई वैल्यू नहीं है, मैं तो नहीं रखती हूँ किससे, भाई साफ क्लियर बात है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ। अलबत्ता हाँ, मेरे पास ये ना पैसों के बाद मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए, तो खुद से चल के बात करता है तो कर लेती हूँ। अब उसमें मगरूर, कुछ लोग मुझे कहते हैं आप मगरूर हो, मैं मगरूर नहीं, लहजे और लोगों के लहजे देख के, और बाकी एक बात कहूँ, और अगर हम ना बहुत ज्यादा झुक झुक के बड़ों को, या बहुत ज्यादा, वो दौर पहले का था जब हम बड़ों को झुक के सलाम करते थे, बड़ों के आगे हाँ जी करते थे ना, वो दौर दूसरा था। अब हाँ जी नहीं करो भाई, बड़ा है चाहे छोटा है, अगर वो गलत कह रहा है उसे गलत का आंसर दो, एटीट्यूड तो बनता ही, अगर एटीट्यूड ना दिखाओ ना तो फिर लोग पता नहीं मामूली सी चीज समझने लगते हैं यार। हर किसी के साथ हंस के बात करो ना, अच्छा इखलाक रखने के लिए सलाम दुआ करो, हर किसी को खुद से मैसेज करो, तो लोग समझते हैं यार क्या है। तो इसीलिए थोड़ा एटीट्यूड बनता है, एटीट्यूड दिखाना चाहिए, और मैं तो अपने बच्चों को भी यही सिखाती हूँ कि हर किसी को मुंह ना लगाया करो, करती हूँ जिससे मेरा दिल चाहता है, और मैं उनसे सफर कर जाऊँ, और मैं उन लोगों से बिल्कुल बात नहीं करती जिनसे मेरा दिल नहीं करता। अलबत्त मैं आप लोगों को फिर से चाह रही हूँ, कोई मशवरा चाहिए हो कोई तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई जिसने ये मुझसे सवाल किया था ना, मेरे सब्सक्राइबर तो 10,000 है, तुम्हें कैसे पैसे मिल गए, 10,000 की कोई बात नहीं है फिलहाल, आप अगर आपके हैं और वॉच टाइम पूरा हो चुका तो आप अपना चैनल मेरे पास लाए और मैं आपको करवा देती हूँ, जिस जिसको करवाना है मोनिटाइज में उसको करवा देती हूँ। और दूसरी बात ये कि मैं अब किसी का भी कोई काम फ्री में नहीं करूंगी, ठीक है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आए थे ना घर पे आए थे, जिनको मैंने इज्जत दी, मान दिया, 3-4 फैमिली आई थी चैनल के लिए, मान दिया, घर में से अपनी चाय बोतल शरबत पिलाए, तो मुझे तो उन्होंने कुछ मामूली समझा। उसके बाद वो लोग ना गए थे सोनिया गोपाल के यहाँ, बहुत सारे लोग सोनिया गोपाल के पास गए, कुछ लोग कौमी लोगों के पास गए जो कि जिनको शायद आप लोग जानते होंगे, तो उन्होंने उनसे 50,000 लाख की डिमांड की, तो अब तो मैं भी डिमांड रखती हूँ। बहुत इज्जत और इखलाक के साथ उनको अपना टाइम दिया, चाय कोल्ड ड्रिंक, जिसको खाने का टाइम था खाना खिलाया, तो मुझे बहुत ही मामूली चीज समझे। तो अब मैं फ्री में किसी का भी काम नहीं करूंगी, अलबत्त जिसको चैनल मोनेटाइज करवाना, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आए मुझसे मिले और करवा के जाए। मीटअप बिल्कुल, अब हम मीटअप भी करते हैं, लेकिन कुछ भी फ्री में नहीं करते, सब पैसों का करते हैं, ठीक है। तो ये था आज की इन्फॉर्मेशन, और आज का व्लॉग, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और प्लीज दुआ में याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक इजाजत दीजिए, ओके, अल्लाह हाफिज़।